जिसकी मांग को लेकर हम यहाँ एकत्रित हैं। ये एक प्रतीक है कि 21 राज्यों के लोग आकर के अपनी बात कह रहे हैं और 4 राज्यों के लोगों ने तो अपना वहां पर ज्ञापन भी पहुंचवा दिया है। बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में महिला ट्राइबल राजस्थान की आशा जोरवाल जी और उनकी टीम भी पधारी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पर राजस्थान आदिवासी मीना सेवा संघ की महिला विंग जयपुर महानगर के अध्यक्ष श्रीमती मुन्नी देवी पधारी हैं अपनी टीम के साथ, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आगे वक्ता जो आने वाले हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपनी बात रखें, पुरजोर शब्दों में रखें, समय का भी ध्यान रखें। हम ये नहीं कहते कि अपनी बात वो नहीं कहें, लेकिन कार्यक्रम सफल हो, लोग उसको आनंद से सुने, अपनी कोई बात छूटे नहीं, अपनी मूल बात से हम भटके नहीं और अपना कार्यक्रम समय पर समापन हो, उसके पश्चात आपकी थकान उतारने के लिए बीच में चाय और उसके पश्चात भोजन की व्यवस्था भी है। अब हमारे बीच में वरिष्ठ अध्यापिका और लेखिका मध्य प्रदेश से है, इनका हिंदी और भीली जो है ये कहते हैं, तो श्रीमती मंगला अग्रवाल जी, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, इनका इनका तो नाम ही मंगला है, तो हमारे यहाँ तो कह रहे मंगला की आरती हुआ करती है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ का बड़ा एक प्रतीकात्मक सिंबल है। साहब एक बार जोरदार तालियां, जिनके मुस्ताक को देख करके भी एक थोड़ा आप लोगों को भी ये अपनी बात कहने के लिए इतनी दूर से आई है, और अगर हम जोर से तालियां बजाएंगे तो इनको भी लगेगा कि हमारा स्वागत अच्छे ढंग से होता, अपनी बात अच्छे ढंग से कह पाएंगी। धन्यवाद। सम्मानी मंच, सम्मानी मंच, पांडाल में विराजित मेरे स्नेहिल सज्जन बंधुओं बहनों, आप सबकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी। शूल को इतना सहो कि फूल बन जाए, शूल को इतना सहो कि फूल बन जाए, हमारे हक की लड़ाई इतनी लड़ो कि सिरमौर बन जाए, हमारे हक की लड़ाई इतनी लड़ो कि सिर मोर बन जाए। दिल में कोई गम नहीं है, दिल में कोई गम नहीं है कि आदिवासी किसी से कम नहीं है, दिल में कोई गम नहीं है आदिवासी किसी से कम नहीं है। कौन कहता है आदिवासी कमजोर है, कौन कहता है आदिवासी कमजोर है, गए जमाने जब समझा जाता था, गए जमाने जब समझा जाता था, आज हम बहुत आबाद हैं। क्या उन्हें नहीं मालूम गोवर्धन गार्डन में हमारी जो आवाम है, क्या उन्हें नहीं मालूम गोवर्धन गार्डन में हमारी जो आवाम है, उनके जो मसीहा है वो दुनिया के बेमिसाल है, वो दुनिया के बेमिसाल है। कह दो उन्हें जो कभी हमें जंगली गवार ढोर कहकर हमारी अच्छी कमाई व शक्ति को लूटकर हमें ही बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है, कह दो उन्हें कि हमें जो जंगली गवार ढोर कहकर हमारी अच्छी कमाई व शक्ति को लूटकर हमें ही बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की है। आज की जो हमारी आवाम है, कह दो रास्तों से हट जाना डॉक्टर हीरा मीरा मैडम की फौज है, आंधियों के मंजर में बड़ी बड़ी शक्तियों को धूमिल करने की हम ताकत रखते हैं, हम ताकत रखते हैं। बहुत हो गया हमारा ही खाकर हमें ही मानव ना मानकर धुतकार दिया जाता था, हम गिर पड़कर संभलते रहे, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कई थप्पड़े झेले, हमें जिंदा रखा है,
तो मेरे भाइयों बहनों, क्या हम जिंदा है? क्या हम जिंदा है? क्या हम जिंदा है? यदि हाँ तो आंखें खोलो, यदि हाँ तो आंखें खोलो। हमने आठवीं जनगणना सुना था, आप बार बार सातवीं बोल रहे हैं। करेक्शन हो सकता है कि सातवीं जनगणना आने वाली है। यदि हम जिंदा है तो आंखें खोलो, सातवीं जनगणना आने वाली है। आप में से बहुत से यह नहीं जानते होंगे कि यह भला क्या है। भाइयों बहनों, हमारे देश की गणना 2011 की गई थी, उसके पूर्व में भी हुई थी। तब सर्वे वाले हमें बिना कोई जानकारी दिए, जितने भी आदिवासी मनुष्य होते हैं उन्हें अन्य कालम जैसे हिंदू वालों में ज्यादातर डाल दिया जाता रहा है। कोई इस बात को नहीं समझ रहा था। हम जिस कालम में लिखे जाते रहे हैं उससे हमें क्या फायदा हुआ? क्या उन्होंने हमसे रोटी व्यवहार किया? क्या हमसे उन्होंने बेटी व्यवहार किया? क्या उन्होंने उनके जाजम में हमको बिठाया? नहीं ना, उन्होंने हमारा केवल इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल किया है, संख्या बढ़ाकर फायदा वो ले रहे। अतः आज का दिन स्वर्णमय है। धन्य है वो हस्ती जिसने हमारी आंखें खोलकर हमारे धर्म को, समाज को यह संकल्प दिलाने का एक जिम्मा लिया है। क्यों ना उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को सारे भारत के आदिवासियों में निरूपित कर हकीकत से रूबरू करवाए। बहुत दूर निकल गए थे, भटक रहे थे, लेकिन आज हमें दिखाया गया है। हम यह जाने समझे कि हमारा धर्म प्रकृति का है। हम सदियों से उनकी गोद में पले बड़े, पड़े आगे बढ़े। धर्म की वही हो, हमारा धर्म वही हो। हमारा धर्म कभी नहीं मनने वाला मानव धर्म है। हम मानवीय धर्म के पुत्र हैं, प्रकृति पुत्र हैं। अतः हम सब संकल्प ले कि सातवीं जनगणना में हमारे धर्म का कालम कोड अलग व स्पष्ट होना चाहिए। जय जोहार, जय हिंद, जय आदिवासी। मैं एमपी से आई हूँ और मंगला अग्रवाल मेरा नाम है। मैडम मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड है। देखिए, एमपी से हिंदी और हम भीली जिसको कहते हैं, मुझे बताया गया था, डॉक्टर हिरानी ने बताया था कि मंगला अग्रवाल वरिष्ठ अध्यापिका हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने बताया लेखिका भी हैं, ये भी सही, लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताई। वो मैंने